सोलन के बती में उद्योग में लगी आग से जहां करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, वहीं तीन कर्मचारियों की जान भी जा चुकी है। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग की 10 टुकड़ियां लगातार आग बुझाने में लगी रही, लेकिन आग को कई घंटों तक नियंत्रित नहीं किया जा सका। उद्योग के बाहर उद्योग में फंसे कर्मचारियों के परिजन अपनों की चिंता में बिलकते रहे। काफी घंटों की मुशक्कत के बाद जब आग पर नियंत्रण किया गया तो उसके बाद बचाव और राहत का कार्य दमकल विभाग द्वारा चलाया गया। इस रेस्क्यू अभियान में एक शव पिछले कल निकाला गया और आज भी दो जले हुए शव बरामद किए गए हैं। ये जानकारी होमगार्ड कमांडेंट शिव कुमार ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि गनीमत ये रही कि जब ये दुर्घटना हुई तब शिफ्ट बदल रही थी। अगर ये शिफ्ट लग जाती तो ये एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। होमगार्ड कमांडेंट डॉक्टर शिव कुमार ने बताया कि जैसे ही आग की सूचना मिली उनकी टीम मौके पर पहुंची। उसके अतिरिक्त भी अन्य स्थलों से टीमों को बुलाया गया। करीबन 10 टीमों ने युद्ध स्तर पर आग बुझाने का कार्य किया। उन्होंने बताया कि आग पर अगर समय पर नियंत्रण नहीं किया जाता तो इसी उद्योग का दूसरा यूनिट भी इस आग की चपेट में आ सकता था, तो आसपास बने भवन भी आग पकड़ सकते थे। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले वहां तारों में स्पार्किंग हुई, उसके बाद उद्योग का बॉयलर में भयंकर विस्फोट हुआ और जिस शेड में ये लगा था वह भी अचानक से ढह गया। जैसा कि आपको विदित है, पिछले कल लगभग 8:15 बजे हमें सूचना मिली थी फायर स्टेशन बद्दी में कि किसी प्राइवेट फैक्ट्री में जो कि काठा में बद्दी में लोकेटेड है वहां पे फायर इंसिडेंट हुआ है। इस पे हमारी जो फायर की टीम है वो तुरंत अपने रिसोर्सेज लेके स्पॉट पे पहुंची थी और जब सिचुएशन को असेस किया गया तो पाया गया कि रिसोर्सेज हमें और चाहिए होंगे। उसके लिए वहाँ पे 10 के करीब और फायर टेंडर पूल किए गए, जिसमें नियरेस्ट जो फायर स्टेशन थे वहाँ से भी फायर जो टेंडर्स हैं उनको पूल इन किया गया, रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज को पूल इन किया गया और कुछ प्राइवेट कंपनीज के फायर टेंडर भी लाए गए। उससे ये फ़ायदा हुआ कि जैसे हमारी टीम काम करना शुरू की कि जो सराउंडिंग की जो बिल्डिंग्स थी उनको बचा लिया गया और इस इंडस्ट्री जो कि यस फैंस एंड अप्लाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इंडस्ट्री है, इसकी भी एक यूनिट को बचाया जा सका और सराउंडिंग की जो कॉलोनीज थी, बाकी जो इंडस्ट्रीज थी उनको भी सेव कर लिया गया। इसमें फिर रेस्क्यू ऑपरेशन जब फर्दर चला आग को कंट्रोल करने के बाद तो उसमें अनफॉर्चुनेटली एक ब्रंट बॉडी जो है वो रिकवर हुई थी पिछले कल और दो बॉडीज इसमें आज रिकवर हुई हैं। इसको पुलिस को हैंडओवर किया गया है और डे एंड नाइट हमारा वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चला हुआ है। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इस पे जो है देखिए पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन अपनी कर रही है और हम लोगों का काम जो सर्च एंड रेस्क्यू है वो चला हुआ है, लेकिन इस पे अभी आई थिंक जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे एचआर हैं जो वहाँ के, कितने वहाँ एम्प्लॉय थे, कितने अंदर थे, उसके बेस पे ही कुछ कहा जा सकता है और उसके लिए पुलिस ने शायद एक केस भी दर्ज किया है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारा जो सर्च वाला काम है वो चल रहा है और हम पूरी डेब्रिज को छान रहे हैं और इसमें मतलब ये कह नहीं सकते कि कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो इस फैक्ट्री में काम करते हैं और कुछ मजदूर जो वहाँ से भागे थे उस टाइम जब ये इंसिडेंस हुआ है, तो उनके अकॉर्डिंगली ये है कि स्पार्किंग हुई थी और उससे जो है इनका जो बॉयलर है, क्योंकि पंखे बनाने की यूनिट थी, तो उसमें कुछ एक्सप्लोजन हो गया था और उससे आग जो है ज़्यादा फैली। और क्योंकि ऊपर इसमें टीन था, इसकी वजह से क्या हुआ कि स्ट्रक्चर सारे का सारा ढह गया एकदम से और विस्फोट से, तो उसके कारण जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन बाद में जब फायर को कंट्रोल किया गया था, एक सिस्टम से उसको कंट्रोल कर लिया गया, उसके बाद ही आगे का सर्च ऑपरेशन जो है वो चला।